नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और तिरुमलगिरी पुलिस ने एक सनसनीखेज कत्ल का मामला हल करते हुए 44 साल नरेंद्र रेड्डी को अपने ही कज़िन विजय भास्कर रेड्डी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया। नरेंद्र रेड्डी और मकतूल विजय भास्कर रेड्डी ज़मीन की खरीद व फरोख्त में एजेंट की हैसियत से काम करते थे। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान दो देसी साख्ता पिस्तौल और 7,20,000 नकद रकम के अलावा दीगर अशिया को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में हैदराबाद CP अंजनी कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से एक सेंसेशनल मर्डर फॉर केन केस का डिटेक्शन हुआ। यह केस तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ था, जिसमें कि अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी एज 44 इयर्स और ये अक्यूज्ड है जिसने अपने कजन ब्रदर का मर्डर किया, जिसका नाम है तोटा विजय भास्कर रेड्डी। इसमें एक फायर आर्म का यूज हुआ, जो एक लोकल कंट्री मेड वेपन। ये लोग दोनों जमीन के बिजनेस में एजेंट का काम करते थे और उस सिलसिले में कमीशन कमाते थे। इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग उसी कमीशन के बीच में शुरू हुआ और उसके बाद ये अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी 30,000 रुपीज में वेपन खरीद के मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये प्लानिंग कर उसके घर गया और उसको उसके साथ उस गाड़ी में बैठकर कुछ समय दूर आने के बाद एक स्टोरी बताया कि कोई कमीशन एजेंट उससे मिलने वाला है और उसके बाद ये मर्डर किया गाड़ी में। अभी तक के रिकवरी के मुताबिक 2 फायर आर्म कंट्री मेड पिस्टल, 3 लाइव राउंड, 3 एम्प्टी राउंड, कैश 7,20,000 रुपीज और एक ब्लैक कलर बैग का रिकवरी हुआ है।